एचडीएफसी लिमिटेड के तिमाही नतीजे। क्वार्टर फोर रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। मुनाफे के आंकड़े में बढ़त देखने को मिली है। 44 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है और आय में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है और इसी का असर है जो कि आप देख रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में 2.5% तक की तेजी के साथ स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 4,425 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। जहां अनुमान हम लगाकर चल रहे थे कि मुनाफे के फ्रंट पर डेटा जो है 3,807 करोड़ तक आ सकते हैं तो क्लियरली हमारे अनुमान से बेहतर है। 3,807 करोड़ का हमारा अनुमान था और 4,425 करोड़ का मुनाफा इस वक्त कंपनी ने पोस्ट किया है। स्टैंड अलोन एनआईआई की अगर बात करें 5,322 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर हमारा अनुमान 5,000 करोड़ का था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की तर्ज पर भी डेटा जो है आंकड़े जो है वो पॉजिटिव आए हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी हमारे अनुमान से बेहतर बड़ा मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है विच इज अ पॉजिटिव। 360 करोड़ प्रोविजन का डेटा जो था वो भी बढ़कर यहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा है और साथ ही आय के फ्रंट पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। खास तौर से कुछ चीजें जिन पर नजर रखनी थी, एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट का अनुमान और एसेट क्वालिटी की अगर बात करें चाहे बैंक्स हो या फाइनेंशियल्स हो, हम लगातार देख रहे हैं कि इनके एसेट क्वालिटी के लेवल्स जो वो काफी हद तक लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो पॉजिटिव उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ बैंक्स में इन पर्टिकुलर और फाइनेंशियल्स में भी नजर आ रहा है। इसी के चलते मार्जिन्स के फ्रंट पर भी एक इम्पैक्ट है। बहरहाल अगर एचडीएफसी लिमिटेड इन पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो इसके केस में भी ओवरऑल एओएम ग्रोथ जो है वहां पर भी काफी हद तक हेल्थी साइंस आते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियरली हम देख रहे हैं कंपनी ने एक बड़े डिविडेंड का भी ऐलान किया है और नतीजे नेट इंटरेस्ट इनकम और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं। एयूएम से एक्सपेक्टेशन करीब 7,34,894 करोड़ की थी और इस वक्त एयूएम के डेटा जो आएंगे वो हम आपके सामने रखते जाएंगे लेकिन क्लियरली रिजल्ट का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है। हमारे साथ एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे लेकिन आपको बताएं कि इस तिमाही के नतीजों में होम लोन डिमांड का सिनेरियो कैसा है इस पर नजर रखनी चाहिए, आउटलुक विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिन्स क्या रहेंगे और मर्जर असेट क्वालिटी पर किस तरह की कमेंट्री आएगी इस पर खास नजर होगी। गौरांग शाह बाजार के दिग्गज हमारे साथ एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर जुड़ गए हैं। गौरांग स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे पॉजिटिव हैं क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा है, मुनाफे के फ्रंट पर अनुमान से भी बेहतर नतीजे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारी तरफ से मांगे। इतिहास रहा है इस बैंक का जिस तरीके से निरंतर सकारात्मक आंकड़े लेकर के आते हैं और खास करके ऐसी परिस्थिति में जहां पर ऋण की मांग को लेकर के मार्जिन्स में बाकी अन्य बैंकों में हमने इजाफे होते हुए देखे हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है क्योंकि हर बार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे की तरफ एसेट क्वालिटी होती है इनकी और प्रोविजन भी काफी कम होते हैं और काफी लंबे समय से निवेश की राय हमारी इस बैंक के ऊपर एचडीएफसी बैंक के ऊपर और हमें लग रहा है कि अगर किसी को निवेश नहीं है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए और हमारा ये मानना भी है कि इस वित्तीय वर्ष में भी और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी काफी चर्चा में रहेगा सकारात्मक कारणों को लेकर के। गुरांग पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए क्योंकि आपको भी पता है अब दोनों बैंक के मर्ज होने जा रहे हैं तो ये पॉजिटिविटीनेस आगे भी बरकरार रह सकती है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। डिम्पी मेरे ख्याल से एक ऐसी बैलेंस शीट खड़ी होगी जिसका मुकाबला कोई अन्य बैलेंस शीट नहीं कर सकती और एज अ डिस्क्लोजर दोनों ही एंटिटी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के ऊपर काफी लंबे समय से राय रही है लेकिन अभी मर्जर होने जा रहा है तो एक सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट तो कड़ी होगी मगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इतनी बड़ी होगी। जी मेरे को आपसे और पता करनी है, आपने अभी आपने कहा कि जिनके पास नहीं है उनको अभी भी ले लेना चाहिए, ये इसी भाव पे प्लस करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट भी कर सकते हैं? भाव भगवान होता है ऐसी कहावत है शेयर बाजार में टिम्पी, और आप भाव का इंतजार करेंगे तो कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगाइए मत, लेकिन किस्तों में आप जोड़ते जाए, जब भी कोई नीचे की तरफ की गिरावट आती है शेयर बाजार में या फिर कोई कारणवश स्थानीय रूप में अंतरराष्ट्रीय रूप में कोई कारण या खबरें उभर कर आती है, लेकिन शुरुआत तो कीजिए स्तर के ऊपर। देखा जो कमेंट्री आएगी उसके अलावा दो और चीजें जिस पर खास नजर रखनी है, आउटलुक मार्जिन्स को लेकर क्या है और साथ ही लोन बुक ग्रोथ के सिनेरियोस कैसे दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं और इनके एक्सपेक्टेशंस होम लोन डिमांड को लेकर क्या है, इसका एक सीधा असर है जो कि ऑल इन ऑल इनके कारोबार पर भी पड़ता हुआ दिखेगा, तो इन फ्रंट पर आपका आउटलुक क्या है? तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज निर्भर है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर
और जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में हमने पिछले कुछ महीनों में मांग बढ़ती हुई दिखी है, रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए देखे हैं, और क्योंकि एक सकारात्मक कारण ये भी हो सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में जो क्रेडिट पॉलिसी आई तो विराम लिया है ब्याज दरों को लेकर के, और कल भी जब पावल साहब ने बातें करी थी तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये हो सकता है आखिरी बढ़ोतरी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की गई हो यूएस फेड के द्वारा, और वहां पर भी विराम लेंगे। पर ऐसी परिस्थिति रही तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ जाहिर है, अगर ब्याज दरें ज्यादा ऊपर नहीं जाती हैं तो ईएमआईज आपके कम होते हैं और उसके कारण मेरे ख्याल से लोन बुक ग्रोथ को आपको देखने मिलेगी, तो ये बिजनेस भी मेरे ख्याल से काफी मजबूत रहेगा। और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट थंब रूल होता है किसी भी तरह की एनबीएफसी के लिए करके, वो काफी सकारात्मक है एचडीएफसी। मैंने आपका एक मिनट समय और लेना चाहता हूं क्योंकि आप बिल्कुल सही समय पर हमारे साथ जुड़े हैं, डाबर के भी नंबर आ गए और आपसे बेहतर एफएमसीजी को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए मैं एक बार जरा नंबर दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। नंबर्स अनुमान से कमज़ोर हैं, वैसे नंबर बढ़कर आएंगे आपको दिखेगा, जैसे बढ़कर नंबर 300 करोड़ का मुनाफा है, ये 292 करोड़ से बढ़कर 300 है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट करता था वो 350 करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। दूसरी चीज़ एफएमसीजी में देखी जाती है वो है कि घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह कितनी है, तो वो करीब 1% के आसपास की है। हमने एक और इंडस्ट्री का भी चेक किया था, वहाँ पे करीब 4% आया था एचयूएल का, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 4% के इस बार वॉल्यूम ग्रोथ आया था 4-5% का, तो इनके पास करीब 1% है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डाबर के नंबर्स पे देखेंगे तो इनका अबिटा जिसमें कामकाजी मुनाफा कहते हैं वो स्लाइटली थोड़ा उम्मीद से कमज़ोर है, वैसे वो भी बढ़कर आया है। रेवेन्यू मार्केट का जो इतना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया, 2600+ करोड़ रुपये के आसपास का। गुरांग, आई होप आप भी अपने मोबाइल पे और इधर चेक कर रहे होंगे, हम भी दर्शकों के सामने पॉइंट रख ही रहे हैं, और अब थोड़ा अनुमान से वैसे कमज़ोर है लेकिन नंबर्स ठीक आ रहे हैं इसके, बढ़ कर आए हैं, तो एक बार आप जरा हमको बताएंगे कि आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं, पेमाफिसी कैसे रीड कर रहे हैं। दीपी, एफएमसीजी क्षेत्र के ऊपर पहले टिप्पणी करना चाहूंगा, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण से मांग बहुत ही जरूरी होती है वॉल्यूम्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरी तरफ जो कच्चे माल को लेकर के या लागत खर्च को लेकर के पहली या दूसरी तिमाही के आसपास पिछले वित्तीय वर्ष में एक नकारात्मक परिस्थिति बनी थी वो अब दूर हो चुकी है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को लाकर के मार्जिन सुधारने की भी कोशिश कर रही है काफी सारी कंपनियों में और वहां पर एक सकारात्मक सरुझान आया है। बारिश का मौसम आने वाला है, अनुमान यह है कि शायद मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको थोड़ी कम वर्षा होगी और स्काईमेट माफ कीजिएगा कह रहे हैं कि थोड़ी कम वर्षा होगी और मेट डिपार्टमेंट कह रहा है न्यूनतम वर्षा होगी लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से। अब ये सब मैं तुलना करता हूँ और ये ध्यान में रखता हूँ कि अगर कृषि उत्पादन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट द्वारा किसानों को अपने जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट करेगी मांग, और अगर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में मांग सपोर्ट करती है तो बड़े शहरों में छोटे शहरों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत खपत से चलने वाला देश है, मुश्किल समय में खपत कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होगी, और जब मुश्किल हट जाएगी तो उतनी जोर से खपत का जो सिलसिला है वो फिर से लौट करके आएगा। तो डिस्क्लोजर डाबर के ऊपर लंबी अवधि के लिए निवेश किराए, और इनके पास मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक जो कि काफी चर्चा में और मांग में है और मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। ठीक है कुराम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज हमने आपसे थोड़ा एक्सटेंडेड समय ले लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस बीच आप एक काम कीजिए, आप विंडो में ना दोनों के ग्राफिक्स रखिए, डाबर के भी और साथ ही एचडीएफसी के भी, क्योंकि आशीष कपूर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिल्पा राउत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आशीष हमारे को फंडा थोड़ा गाइड करेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए, और नागराज शेट्टी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो टेक्निकली हमको ये बताएंगे इस समय क्या करना चाहिए। अभी आप ग्राफिक्स को सामने रखिएगा, भले हमको हटाना चाहिए तो हटा दीजिए। आशीष सर, दोनों कंपनी जिसके नंबर्स आए हैं क्योंकि